नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना क्षेत्र के नौगवा गुरुवार मोहल्ला निवासी करण बहादुर की 31 वर्षीय पत्नी पुष्पा उर्फ जानू ने शुक्रवार की रात परिजनों को खाना खिलाने के बाद घर के पीछे स्थित नीम के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी से संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। काफी देर तक पत्नी को घर में न देखकर पति करण बहादुर घर के पीछे टॉर्च जलाकर देखने गया तो देखा कि पत्नी नीम के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी के सहारे फांसी लगाकर लटकी हुई है। यह देखकर पति रामकरण के होश उड़ गए। पति की चीख पुकार व शोरगुल मचाने पर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी तत्काल पुलिस व विवाहिता के मायके पक्ष को दिया गया। विवाहिता के फांसी लगाकर जान देने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा। विवाहिता 6 दिन पूर्व अपने मायके से ससुराल आई थी। मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव ने घटना के संबंध में पति तथा मोहल्ले वालों से पूछताछ कर सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने फांसी लगाने से पूर्व मोबाइल फोन पर किसी से बात करने के बाद ऐसा कदम उठाया है। घटना के समय मृतका के सास ससुर घर में मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक विवाहिता की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व करण बहादुर से हुई थी और कोई बच्चे नहीं थे। मृतका गर्भवती बताई जा रही है। महिला का मायका हलिया थाना क्षेत्र के रामपुर नौडीहा गांव में बताया जा रहा है। सूचना पर मृतका का भाई और मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं मृतका की माँ कौशल्या तथा मौसी रामकली व चाचा लक्ष्मण बेटी की फांसी लगाकर मौत की घटना से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेटी को मारकर फांसी पर लटकाया गया है। हम लोग जब गए तो बेटी की लाश को घर के औसारे में पड़ी हुई मिली। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि महिला को फांसी लगाकर जान देने की सूचना मिली है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मण। कहाँ के निवासी हैं आप? रामपुर नौडीहा। ये जो मृतका है आपकी क्या लगती है जो जिनकी मौत हो गई है? हमारा भतीजी। भतीजी, इनकी शादी कब किए थे आप? लॉकडाउन में, पर साल लॉकडाउन में। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वहाँ नीम के पेड़ के में बता रहे हैं फांसी का, लोग बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हमके नहीं दिखाएं सर जी। मतलब फांसी के फंदे पर आप लोग नहीं पाए? नहीं, वो काट कर फेंक दिया था सर जी। अच्छा। काट कर फेंक दिया, माँ लड़की हम गए तो ओसार में पाया था। ओसारे में। हाँ। तो आप मतलब इसको संदिग्ध मान रहे हैं? हाँ। कि मतलब फांसी नहीं लगाई है वो, क्या आपका कहना है इसमें? मार के फांसी लगा दी साहब। मतलब आपका कहना है कि पहले हाँ, मारे हैं उसके बाद फांसी पे दिखाए? हाँ, मार के तब फांसी लगाने काट दी रस्सी। हाँ, रस्सी काट के अपने हाथे काट दी। श्रीमान जी, हम ये कहते रहे कि ठीक बा, फांसी लगाए रहा जो हम आवत है। अच्छा, देखो आप लोगों को सूचना कब मिली? हम 12 बजे रात। 12 बजे रात। हाँ। क्या बताए आपको? फांसी लगा खत्म हो गई थी। मतलब आपकी भतीजी फांसी लगा खत्म हो गई? हाँ। तो आप लोग रात में ही आ गए थे? नहीं, सुबह आए। सवेरे सुबह आए। हाँ। तो मट्टी कहाँ थी? घर पे थी कि यही है? नहीं नहीं, इस समय तो बाहर है। जब आप लोग यहाँ आए, ओसारे में, ओसारे में पाए हैं। हाँ। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामकली। कहाँ के निवासी हैं आप? रामपुर नौडीहा के। अच्छा, तो ये बताए कि ये लड़की जो जिनकी मौत हुई आपकी क्या लगती हैं? बेटी, बहन का बेटी। अच्छा, बहन की बेटी हैं। तो आप लोगों को सूचना कब मिला इनकी मौत का? 12 बजे रात। 12 बजे रात। तो क्या लगता है, क्या प्रतीत हो रहा है आपको? जैसे कि फांसी लोग बता रहे हैं, फांसी लगाए, तो आपको क्या लग रहा है? हम लोग के बताने पे साहब, हम लोग नहीं पाया था फांसी पर, हम लोग बोला रहा था पाया। हम लोग क्या माने कि फांसी लगाया है? हाँ। कि मार के फेंका, हम लोग बोल रहे हैं मार के फेंका है दहेज के कारण। दहेज के कारण जी। अच्छा, क्या लड़के की ये तीसरी शादी थी क्या जी? मतलब ये जो आपकी भतीजी हैं, ये आपके दामाद जो हैं, इनका तीसरी शादी था जी? हाँ जी। ये कब शादी कब किया था आपने? 1.5 साल के बाद, पहले लॉकडाउन में। पहले लॉकडाउन, मतलब 1.5 साल पहले। अच्छा, ये विदाई क्या 4-5 दिन पहले अभी घर से आई है? नहीं से क्या? इनका ससुर बोले थे कि हम लोग, बेटी हमारे बताया था जहेज के कारण हम लोग के बाहर से निकाल देती, मार के सास निकालती, ससुर निकालती, प्राणी निकालती, ननद निकालती। अच्छा अच्छा। इनका ससुर बोले थे कि हम पूरे जिम्मेदारी के साथ हम देखेंगी, हम रानी बारी अपन पतो लेकर रहेंगी, यहाँ ना भेजेगी, मतलब नौगवा। हाँ हाँ। ये लोग से कारण आज 10 रोज हमारी बेटी का लाश पड़ गई है।
अच्छा, हमारी बेटी तीजा पर हमारे की गई। मतलब आपका कहना है कि ये आपको संदिग्ध लग रहा है मौत? हाँ, हाँ। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कौशल्या। कहाँ के निवासी हैं आप? नौटिहवा। ये जो मौत हुई है फांसी से, फांसी लगा के, आपकी क्या लगती है? बेटी। बेटी, अच्छा। हाँ। ये कब शादी की थी आप? पर लॉकडाउन में। अच्छा, पर साल लॉकडाउन में की थी। हाँ। तो ये कैसे घटना घटी है, ये क्या आपको लगता है? हम सर अपने घर पे रहे, फोन का हमारे यहाँ से 12 बजे रात। अच्छा। उनका हाँ उनकर बच्ची फोन करें कहे कि आपके बेटिया खत्म हो गई है। अच्छा। हमका कैसे खत्म भई? हाँ कहीं फांसी लगाई का? हाँ हाँ। हमका कैसे फांसी लगाएं, घर के नही रहे का? हाँ हाँ। कहा नही खाना बनाई नहीं है, खियाई नहीं है। भाभी गई फोन से बतियाती रहे, तमरे कहा गई भाभी, तो गए भैया देखे तो मोबाइल लेकर पिछुती बतियाती रहे, तो कहीं आई वहाँ से तो रोए लगी कटिया पर, कहीं काय रोते रहे, कहीं काय ना, कहीं खाना खा ले, कहीं ना खा भाई, हमारा पचन के तीन जनन के खाना किया क्या, तब गई देखे भैया कुछ देरी में तो फांसी लगाई के झूलती रही। अच्छा, कहाँ लगाई थी फांसी? हम लोग नहीं देखा सर, हम लोग खा। आप लोग मतलब नहीं देखी हैं? नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, मतलब जैसे सूचना दिए तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें क्या? हम लोग को लग रहा है मार के फेंका था। आप बताइए। मार के फेंका था सर। मतलब आपका आपका कहना है कि वो फांसी नहीं लगाई? नहीं सर, मार के मुंगाई के फांसी थोड़ा सा लगाई को क्या काट दिया रहा, फांसी लगाया या नहीं लगा हम लोग नहीं जानते। हम लोग नहीं जानते हैं। मतलब आप लोगों को ये है कि उनको मार के तब लटकाया गया है? जी, रस्सी वस्सी लाए देखा सर, लड़की वो लारी पाए है। अच्छा, इसका मान गए कि फांसी लगा, हम लोग नहीं मानते फांसी लगाए। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को रात में ही सूचना मिल गई थी? 12 बजे रात।